हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक बाइक को कैसे आप रोड में चलाना चाहिए वो इस वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को आप रोड में चला के भी दिखाएंगे। अगर आप आपके सामने आप रोड है, आपको आप रोड में चलाना आप रोड है तो आप रोड में कैसे चलाओगे, उससे पहले आप रोड में उठने से पहले आपका गियर, अगर बाइक का गियर थर्ड या फोर्थ गियर में रहे तो इसको वन गियर में लेके आओ। थर्ड या फोर्थ गियर में बाइक रहने से उसके बाद भी आप रोड में उठना चाहते हो तो उठ सकते हो, लेकिन इससे थर्ड या फोर्थ गियर में रहने से बाइक का जो इंजन है वो ऑफ होने का खतरा रहता है। इसीलिए आप वन गियर में लेके आओ तो इससे खतरा नहीं होगा, बाइक का इंजन ऑफ नहीं होगा। और अगर आपका बाइक का इंजन फिर भी ऑफ हो जाए, उठ रहे हो मतलब आप रोड में उठ रहे हो तो उस टाइम में आपका बाइक का इंजन ऑफ हो जाए तो आप क्या करो, इंजन अगर ऑफ हो जाए तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड में जो है क्लच को पकड़ के ब्रेक को दबा दो। अगर ब्रेक को नहीं दबाने से आप रोड है, आपका बाइक पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इंजन ऑफ अगर हो जाए तो इसके बाद आप ब्रेक को दबा दो, क्लच को सेम टाइम में क्लच को भी दबा दो। उसके बाद आप बाइक को ऑन करो, ऑन करने के बाद ब्रेक को मत छोड़ो, बाइक ऑन है। इसके बाद आप क्लच को थोड़ा छोड़ के एक्सीलेटर को थोड़ा घुमाओ। अगर आपका बाइक जब आपका बाइक आगे जा रहा होगा या अभी आगे जा रहा है तो उस टाइम में आप ब्रेक को छोड़ दो। इससे पहले आप ब्रेक को मत छोड़ो, इससे पहले आप ब्रेक को छोड़ने से आप रोड में आप पीछे जा सकते हो, इससे आप बाइक के साथ गिर भी सकते हो। अभी आप रोड आने वाला है, अभी आप रोड आ गया, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपका गियर अगर थर्ड या फोर्थ गियर में रहे तो वन गियर में लेके आओ, मैं वन गियर में लेके आया। इसके बाद क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर दबा के जाओ। थर्ड या फोर्थ गियर में रहेगा तो इंजन ऑफ होने का खतरा रहता है, वन गियर में है तो इंजन ऑफ नहीं होगा। अगर आपके सामने यहाँ पे टर्न है तो टर्न में आप क्या करो, क्लच को पकड़ के थोड़ा क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर घुमा दो। इसके बाद आप ऐसे जाओ। अगर आपका आप रोड में उठ रहे हो तो उस टाइम में अगर मिडिल में आपका इंजन ऑफ भी हो जाए, वन गियर में है उसके बाद भी ऑफ हो गया, तो आप क्या करो, क्लच को पकड़ के, मैं देख रहे हो कि मैं सामने वाला ब्रेक को दबा के रखा, इसको मत छोड़ो, इसको छोड़ने से मैं पीछे चला जा रहा हूँ तो इसको मत छोड़ो, ऐसे पीछे चले जाओगे तो आप गिर भी सकते हो। तो इसको पकड़ के आप बाइक को स्टार्ट करो, क्लच को भी ब्रेक को भी पकड़ के बाइक को स्टार्ट करो। उसके बाद क्लच को थोड़ा छोड़ के ब्रेक को भी छोड़ो, ब्रेक को थोड़ा छोड़ के उसके बाद आप ऐसे उठ सकते हो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।